सिवनी में हुए आदिवासी हत्याकांड और सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत धूरिया पर प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने के विरोध में अलीराजपुर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष तरुणा मंडलोई के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा टाकी चौराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। अलीराजपुर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष तरुण मंडलोई ने बताया कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत धूरिया पर जिस तरह प्रशासन ने दबाव में षड्यंत्र के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया वह चिंताजनक है। श्री मंडलोई ने कहा कि एक ओर सरकार आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करती है तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार के राज में निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है वह दुखद है। मध्य प्रदेश के सिवनी में जिस तरह से गौमांस के शक में महाराज शाह व संपत बट्टी को कुछ युवकों ने पीट पीट कर मार डाला। आदिवासियों का हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के लिए क्या आदिवासी महज वोट बैंक है? वास्तव में सरकार अगर आदिवासियों की हितैषी है तो घटना में शामिल आरोपियों पर ठोस कार्रवाई कर उक्त आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाए, अन्यथा युवा कांग्रेस इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं करेगी। पुतला दहन करते समय शहर कांग्रेस अध्यक्ष चीतल पवार, प्रदेश सचिव जहीर मुगल, सोनू वर्मा, जितेंद्र देवड़ा, इरफान मंसूरी सहित युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। लगातार आदिवासियों पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में अत्याचारों की वृद्धि हो रही है, विगत दिनों जिस तरह से सिवनी में जो आदिवासी समुदाय के जो हमारे भाई थे उन लोगों पर जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया है, उनकी हत्या की गई है, और जहाँ तक सभी जानते हैं कि वह एक ऐसे सामाजिक संगठन से आते हैं जो किसी को बताना उचित नहीं है, क्योंकि सभी को बताया हो कहाँ से, आज उसके विरोध में और उसी के साथ में हमारे जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत जी भूरिया, उन पर भी प्रदेश सरकार ने जिस सडन के तहत जो गलत तरह से एफ आई आर दर्ज की है उसी के विरोध स्वरूप आज युवा कांग्रेस अलीराजपुर ने यहाँ पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का पुतला दहन किया। अलीराजपुर से बब्बू मकरानी की रिपोर्ट।